दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप रोजाना पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, हरियाणा विधानसभा चुनाव अपने अंतिम दौर में, अंतिम पड़ाव में पहुंच चुका है और साथ ही साथ जैसे अंतिम दौर की तरफ बढ़ रहा है, वैसे ही क्या चुनाव परिणाम होगा उसकी झलक सबको दिखाई देने लगी है। हालांकि अंतिम दौर में हरियाणा भाजपा के नेता, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अपनी पूरी ताकत हरियाणा चुनाव में झोंक रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके उनकी बात बनती लगभग नहीं दिखाई दे रही है। यदि हम चुनाव विश्लेषकों, राजनीतिक विश्लेषकों और हरियाणा के जो मूल रूप से हरियाणा के पत्रकार हैं, जिन पर प्रदेश की जनता विश्वास करती है, उन्होंने तो 8 अक्टूबर से पहले ही हरियाणा के चुनाव परिणाम की घोषणा कर दी है। अब आप कहोगे कैसा कैसे हो सकता है, कैसे चुनावों की घोषणा, मतलब 8 अक्टूबर से पहले कैसे घोषणा हो सकती है। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसा कि मैंने कहा कि एक नहीं, जो हरियाणा के बहुत काबिल वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन पर जनता विश्वास कर सकती है, उनके अनुसार हरियाणा में भाजपा के हाथ से बाजी फिसलती नजर आ रही है। यदि इन लगभग एक दर्जन पत्रकारों के हम विश्लेषणों पर जाएं तो नतीजा ये निकलता है, और इन वरिष्ठ पत्रकारों ने, हरियाणा के ने ये फैसला दे दिया है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और इन पत्रकारों की जो मिली जुली राय है, सबको मिलाकर जो कहना है, दावे हैं, उसके अनुसार 50-55 सीटें कांग्रेस जीतने जा रही है। ये तो पत्रकारों की बात रही, लेकिन दोस्तों मीडिया में एक और बड़ी जबरदस्त रिपोर्ट आ रही है, उससे भी आप वाकिफ होंगे। हरियाणा के कई सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए योगेंद्र यादव, वो पहले भी चुनाव विश्लेषक रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उन्होंने चुनावों का विश्लेषण लगभग बंद कर दिया था। वो किसान आंदोलन हो, कोई भी सामाजिक आंदोलन हो, उसके पैरोकार हैं। उनकी टीम हमेशा जनहित से जुड़े हुए आंदोलनों से जुड़ी रहती है। लेकिन दोस्तों, पिछले लोकसभा चुनावों में योगेंद्र यादव जी ने एक भविष्यवाणी की थी या विश्लेषण किया था कि लोकसभा चुनावों में भाजपा को कितनी सीटें मिलेंगी। तो दोस्तों, योगेंद्र यादव ने कई अन्य राष्ट्रीय स्तर के पत्रकारों के
तर्ज पर दावा किया था कि इस बार लोकसभा चुनावों में भाजपा को जो पिछली बार 302 सीटें मिली थी वो घटकर 250 से नीचे जाने वाली है। और यही हुआ कि लोकसभा चुनावों में योगेंद्र यादव की भविष्यवाणी सही हुई और भाजपा को 240 सीटें मिली। तो दोस्तों, जैसे कि हमने एक तो निचोड़ बताया फरीदाबाद हरियाणा के वरिष्ठ पत्रकारों का, लेकिन जो योगेंद्र यादव अपनी भाषा में जो बता रहे हैं कि क्या रिजल्ट हरियाणा में आने वाला है, तो वो कह रहे हैं कि इसमें तो दो राय नहीं है कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस की हवा बह रही है। तो वो दावा करते हैं कि यदि कांग्रेस की हवा बह रही है तो कांग्रेस को 50 से 55 सीटें आ रही है। आगे वो बोलते हैं कि यदि हवा बहने से ऊपर चलें, और कुछ लोग मानते हैं, मैं भी ये कहता हूं कि यदि हवा बह रही है उससे ऊपर चलकर हम कहें कि कांग्रेस की आंधी चल रही है, तो वो सीटें फिर 60-65 तक पहुंच जाती हैं 90 सीटों में। यानी यदि मतलब आंधी बह रही, मतलब आंधी चल रही है, तो 60-65 सीटें कांग्रेस की आने जा रही हैं। लेकिन योगेंद्र यादव यहीं नहीं रुकते, वो कहते हैं एक तीसरा भी पहलू है। और वो तीसरा पहलू क्या है? वो कह रहे हैं कि यदि हवा चल रही है या आंधी चल रही है तो इतनी सीटें हैं, और ये भी हो सकता है कि सुनामी आ जाए कांग्रेस की। यदि कांग्रेस की सुनामी आई तो जो 2014 से पहले हरियाणा में भाजपा की सीटें आया करती थी, तो हो सकता है भाजपा लगभग उस स्थिति में पहुंच जाए। यानी योगेंद्र यादव जी दावा करते हैं कि फिर उस स्थिति में कांग्रेस की 90 में से 70 से ज़्यादा सीटें आ सकती हैं। यदि सुनामी के चलते हरियाणा में 70 से ज़्यादा सीटें आ सकती हैं, तो फिर आप देख लें, इनेलो भी है, मतलब बसपा सपा गठबंधन भी है, आम आदमी पार्टी भी है, और जजपा और भीम आर्मी का गठबंधन भी है, उनको भी कुछ सीटें मिलेंगी। तो आप देख सकते हैं, यदि 70 से ऊपर कांग्रेस की सीटें आती हैं तो फिर भाजपा को कितनी सीटें मिल पाएंगी। तो दोस्तों, अब तक जितने भी विश्लेषण चल रहे हैं, जितनी भी भविष्यवाणी की जा रही हैं, जितने भी ओपिनियन पोल आए हैं, या जो भी भविष्य वक्ता हैं, राजनीतिक पंडित हैं, जो उन्होंने भविष्यवाणी की है, उन सब का लब्बो लुबाव ये है कि भाजपा कुछ भी दावा करे, भाजपा के नीचे से कुर्सी खिसक रही है और कांग्रेस सत्ता में लौट रही है, लेकिन 10 साल के बाद। तो ये बहुत ही पुख्ता विश्लेषण है हरियाणा के पत्रकारों का, योगेंद्र यादव का, जिन पर प्रदेश की जनता बहुत विश्वास करती है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि चुनाव परिणाम आ गए हैं, 8 अक्टूबर को तो बस घोषणा होना बाकी है। ये मेरा या मेरी मेरा आकलन नहीं है, भविष्य मेवाणी मेरी नहीं है, हरियाणा के वरिष्ठ पत्रकारों की भविष्यवाणी है और योगेश यादव जी की भविष्यवाणी है, जो आम तौर पर सटीक
बैठती रही है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा कि हरियाणा में क्या होने वाला है, क्या परिणाम हो रहे हैं, क्या कांग्रेस जीत रही है। तो देखते रहिए देश रोजाना। मिलते हैं कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ, नए एपिसोड में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।